Subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. पता है ना आज शिखर से मिलना है for the expo meeting. ये मेरी बहन का घर है and I don't want to see your face right now. So just get out. मैं सहारनपुर में भी तो ऐसे ही था ना. बस वहाँ पर अपना फैमिली का बिजनेस संभाल रहा था, यहाँ पर आके अपना बिजनेस कर रहा हूँ. नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम. तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो. I'll speak to you later. Just because जानवी ने तुम्हारे सामने गायनेक का फोन नहीं उठाया doesn't mean she is pregnant. तुम शिखर से मिले? मिला भी और उसको एडवांस भी दे दिया. मैंने कल नैना और शिखर को डिनर पे बुलाया, मजा आएगा. क्यों, एक बार पूछ तो रही थी मुझसे. तुम्हें क्यों पूछूं? अपनी बहन को नहीं बुला सकती? कहाँ फंस गए यार. Can I help? नहीं नहीं, it's okay. मैं सब कुछ कर लूँगी. Tell me something I can help. Actually yes, I need your help. बहुत काम है. एक काम करो, carrots, cucumber, carrots को sticks में काटो और खीरे को wheels में, गोल गोल wheels, 6 mm thickness, okay? और उसको फ्रिज में डाल दो, chill. Okay. Yeah, Jiju likes it like that, so he's very specific. Okay. Okay. नहीं, आप registration की date same रखिए. मैं उससे पहले ही पुणे पहुँच जाऊँगा. बस आप मुझे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मेल कर दीजिए जो मुझे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कैरी करने. ओके ओके, बाय. क्या हो भाई, नया घर खरीद रहा है क्या? हाँ यार, इन्वेस्ट कर रहा हूँ. वाह क्या बात है, ज़्यादा पैसे आ गए हैं. ये क्या बात हुई, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए करोड़ों रुपये की जरूरत होती है? इनफैक्ट रीजनेबल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने में बेटर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज होती हैं. मुझे भी दे दे अपना गुरु ज्ञान, मैं भी थोड़े पैसे ग्रो कर लूँगा. मैंने वेस्कॉन डेवलपर्स के पुणे के प्रोजेक्ट वेस्कॉन गुड लाइफ में इन्वेस्ट किया. फ्लैट की स्टार्टिंग कॉस्ट है 23 लाख ऑल इंक्लूसिव. प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं? बिल्डर की रेपुटेशन. रीजनेबल होना चाहिए, टाइम पे डिलीवर हो, हैसल फ्री हो, और फिर अगर 2 साल की रेंट गारंटी और लीजिंग सपोर्ट हो तो और क्या चाहिए? तू ठीक कह रहा है यार, यानी कि सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर, रिटर्न्स दोनों ही कंफर्म है. ये सही है. तो मेरे पास जो पैसे रखे हैं ना वो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, जानवी भी खुश हो जाएगी. हाँ बिल्कुल, मैं तुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजता हूँ. इसकी जरूरत नहीं है, आई एम चेकिंग देम आउट. लुक्स क्वाइट नाइस यार. या सनी, तुम अभी तक नहाए नहीं हो, गो टेक अ बाथ ना, वरना लोग आ जाएंगे तो पजामे में रह जाओगे. तो तुम्हारे जीजू मुझे पजामे पहचानेंगे नहीं क्या? मेरी शक्ल बदल जाएगी. हर चीज में आगे मत करो ना, जस्ट गो टेक अ बाथ बिफोर जीजू कम्स फास्ट. अजीब है यार, मैं अपने घर में पजामे नहीं बैठ सकता, क्या है? तुम अभी तक गए नहीं? जा रहा हूँ. तुम ये जूते पहन रहे हो? हाँ क्यों? नहीं ऐसे ही बस पूछा. अच्छे हैं. वो 5 मिनट में आ रहे हैं. मेक श्योर एवरीथिंग इज द वे इट इज. ओके आई विल जस्ट कम. क्या बात है यार, जानवी बहुत ज्यादा टेंस लग रही है. बहन और जीजू तो आ रहे हैं. अरे पूछ मत यार, तू मिला होगा ना हमारी शादी में इससे? आई डोंट रिमेम्बर. इसका मतलब तू शिखर से कभी मिला ही नहीं है. वैसे मिला होता तो डेफिनेटली याद रहता. अबे लोग टिकट खरीदते हैं ऐसे देखने के लिए. आज तेरे को ना फ्री का शो दिखा रहा हूँ, मजा आएगा. ऐसी क्या बात है शिखर में? पूछ मत, बस मजे ले. बच गए बात. हाय जीजू. हेलो, हाय, हाउ आर यू? अरे क्या हाल है, आओ आओ आओ, इसे अपना ही घर समझो. थैंक यू. थैंक्स मैन. Meet our friends, Abhimanyu and Meera from Mumbai. My sister Naina और मेरे जीजू शिखर. Hi. हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो. Yeah yeah, sit sit sit. अच्छा शिखर, before we get to the real thing, you want to have a round of beers? Chilled रखी हुई है. I think it's too early for drinks. Let's start with water. 3/4 glass, room temperature. I'll get it. मुझे पता है, you don't like to waste water. I'll get it. Naina, तुम पानी लोगी? No, I'm good. और शिखर, traffic तो नहीं मिला? नहीं, मैं traffic estimate करके निकला था. GPS. Yeah. Thank you. Perfect. Thank you. I've made a lot of starters. मैं लेके आती हूँ. Any juice, chai, coffee, anybody? Let me help you. Yeah, please. Yeah, yeah, it's okay. You guys chill. Of course, we'll help. Okay, ठीक है. अच्छा, मुझे बोलो. आज ना हम लोग बहुत सारी. So आप मुंबई से हैं? Yeah. आप क्या करते हैं मुंबई में? I'm VP marketing and strategy in an online startup. What about you? I'm the inventor of FernTech. FinTech, finance. नहीं नहीं, FernTech. FunTech, gaming. नहीं नहीं, furniture.
टेक्नोलॉजी फर्नटेक. अभी शिखर हैज पायनियर इन गेटिंग दैट टेक्नोलॉजी एंगल इनटू फर्नीचर. शिखर इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा. आप ना इसको डेमो दो. फॉलो मी. डाइनिंग टेबल. डू यू नो डाइनिंग टेबल डिजाइन करने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? इसे कैसे पता होगा? ये टेक्नोलॉजी तो आपने इन्वेंट किया ना. आई टेल यू गाइस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. जब कोई कस्टमर हमारे पास आता है डाइनिंग टेबल खरीदने, हम उसे ऐसा कोई भी डाइनिंग टेबल नहीं बेचते जिसका डिजाइन उसे पसंद है, विच इज यूजली द केस, राइट? पर हम ऐसा नहीं करते. हम उससे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, आपका किचन किस तरफ है? And how is it important? My friend, that is the only important thing that matters. You know, kitchen kis taraf hai, us par depend karta hai ki dining table kis taraf rakha jayega. Aur jidhar dining table rakha jayega, us par depend karta hai ki kaun sa side zyada use hoga. Aur naturally, jo side zyada use hota hai, usi side ki zyada wear and tear hoti hai. And in this case, it's the right side. Because that side is closest to the kitchen. No, are you getting me? Yeah. No, that was just a rhetorical question. Anyways, follow me. I'll show you guys something very interesting. Come, come. ये जो साइड किचन के पास है, ज्यादातर खाना वहीं रखा जाता है, लोग भी वहीं बैठ के खाते हैं, इसलिए खाना वहीं गिरता है, इसलिए घिस घिस की सफाई भी उसी हिस्से की होती है, इसलिए वो साइड वाकड़ा बन जाता है. वाकड़ा? वाकड़ा means tilt in furniture language. And as you can see, this dining table has been beautifully and perfectly aligned. I'm not just saying this because मैंने डिजाइन किया है. See, आप खुद देख लो, खुद देख लो. It's perfect. और इसे कस्टमाइज किया गया है for that side to be closest to the kitchen. That's why that side is far more sturdier than this side. और इसलिए मैंने यहाँ पर फट्टे लगाए हैं, you know? See these फट्टास there. और बाहर से पता नहीं चलता. Exactly. Because I conceal it with acute precision. वाह. That's what FernTech is all about. Delivering the best product with the best edges and the best curves. You know, जब FernTech बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो पूरे शहर में billboards होंगे और मॉडल में ही रहूंगा. एंड द टैगलाइन विल बी आपका किचन किस तरफ है. तुझे बोला कि शिखर बहुत अच्छा डेमो देगा तेरे को यार. अच्छा दिया. शिखर नीचे क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं वो अब कुछ नहीं, बस अपनी टेक्नोलॉजी समझा रहा था. लेट्स गो. तो शिखर इज इट टाइम? कैन वी स्टार्ट? Yeah, why not? Aja, aja. So, what do you prefer? Single malt, whiskey, rum, vodka, gin, wine? ये सब जो तुम मुझे ऑफर कर रहे हो ना, बहुत मेनस्ट्रीम है. आजकल मैं सिर्फ जापानीज विस्की पी रहा हूँ. जापानीज विस्की? I should have assumed तुम्हारे पास नहीं होगी. Don't worry, मैं कुछ और पी लूँगा. अरे, लेकिन आप नाम तो बताइए कि कौन सी जापानीज विस्की है? Hibiki. It's an acquired taste. अरे एक्वायर हम भी कर लेंगे टेस्ट. अब तो मैं भी ये पीऊंगा. मैं लेके आता हूँ. नॉट पॉसिबल, आज ड्राई डे है. अरे सनी के लिए कोई ड्राई डे नहीं होता. आई गेट इट, डोंट वरी. रहने दो ना सनी, अगर वो कह रहे हैं कुछ भी पी लेंगे तो इट्स ओके. अरे ऐसे कैसे? आई एम द होस्ट, ही इज द गेस्ट. आई विल गिव हिम व्हाट ही वांट्स. इट्स ओके शिखर, तुम कह दो ना कि तुम कुछ भी पी लोगे. अरे बाबा बोला तो सही कि मैं कुछ भी पी लूंगा. ठीक है, तुम्हारे लिए एक और बार बोल देते हैं, मैं कुछ भी पी लूंगा. आपको हिबिकी चाहिए ना, आपको हिबकी मिलेगी. I'll get it. अरे सनी मेरी बात सुना. तू क्या कर रहा है यार? तेरे घर पे गेस्ट आए हुए और तू बाहर जा रहा है. तू मेरा नहीं उसका घर है, और खुद के घर में आके मुझको बोल रहा कि मुझे उसके बारे में नहीं पता. अरे वो तेरे मजे ले रहा है जैसे तू उसके मजे ले रहा था. He's just joking यार. पर इसके लिए क्या होगा ना, तब पता लगेगा कौन किसी के मजे लेता है. यार तू पागल है, ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना है. लूजर्स के लिए नहीं होगा, हम तो बॉर्न विनर हैं. मैं हिब के लिए क्या हूँ? सनी तो ऐसी चीजें करता रहता है. It's expected from him, but that's also part of his charm, you know. Very charming. जब हम कॉलेज में थे, पता है क्या किया उसने? मैं किसी बात को लेके बहुत अपसेट थी, और मुझे मनाने के लिए, इनफैक्ट नैना तुम्हें याद होगा, DTC बस चला के घर के सामने ले आया. Are you serious? Daddy was so angry. But of course, now he is more focused. He's getting more involved in expanding the family business. You know, he's
kind of I can see that fire in him. In fact, Jiju, usko aapke support ki bahut zarurat hai. I really want you to introduce him to the right kind of people, you know, at the expo, because he needs that kind of exposure. Expo? Ek minute jaan ji. Usne to register hi nahi kiya expo ke liye. Has he? No, I don't think so. In fact, wo tumse milne aane wala tha na. He did not come. I think there's some confusion kyunki usne khud mujhse kaha tha ki main Jiju se mila aur unko advance diya maine. Janvi, agar wo mujhe advance deta to mujhe pata hota na. In fact, maine to uske liye prime spot hold karke rakha tha without receiving advance, which is against our company policy, but apna Sunny hai yaar, so I thought I should do it. Teen char baar milne ki baat hui, but he didn't show up. Once again, Naina, weren't you following up with Janvi? Yes, of course I was. Maine tujhse baat ki thi na. Janvi, you know, expo next week shuru ho raha hai, toh I couldn't hold that prime spot longer. I had to let it go. Janvi, zarur koi misunderstanding hui hogi. Main Shikhar se baat kar lungi. I'm sure something can be worked out. It's not about that. Agar tum keh rahi ho ki wo tumse milne aaya hi nahi, then I should know na ki wo mujhse jhoot kyun bol raha hai. Reason hoga uske paas zarur. Reason hi to janna hai. God, he's such a बच्चा घर पे सारे मेहमान हैं और वो सड़कों पे हिबिस्कस ढूंढ रहा है. जानवी, it's Hibiki. दिल्ली में ड्राई डे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो, अरे शिखर, देखो मैं क्या लाया. Hibiki. अब हम सब मिलके इसका टेस्ट एक्वायर करेंगे, हैं? भाई सन्नाटा क्यों इतना? शिखर ने मुझे बताया कि तुमने होमवर्ल्ड एक्सपो में स्टॉल बुक करने के लिए पैसे दिए ही नहीं. हाँ, वो मैं बताने ही वाला. पैसे दिए थे या नहीं? जानवी, अगर मेरी बात सुनो. मतलब नहीं दिए. वाओ, जस्ट वाओ. सनी, तुम जानते हो ना कि हम तुम्हारे बिजनेस की बात कर रहे हैं. जानवी, आराम से यार, चिल्ला क्यों रही हो? हम लोग अंदर जाके बात करते हैं. नाउ यू आर गेटिंग एम्बैरस्ड. वैसे अंदर जाके क्या होगा? या तो कोई फालतू बहाना बनाओगे या कोई घटिया जोक मारोगे. इसके अलावा कुछ आता भी है तुम्हें? God, I feel like I'm wasting my time. अगर तुम एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस का ख्याल नहीं रख सकते तो हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल कैसे रखोगे यार? You're pregnant. I knew it. This episode was done in association with Vascon Good Life by Vascon Engineers. अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड चेक दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी आउट. यू विल नो व्हाई ओनली गुड लाइफ. कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. एंड द कॉन्टेस्ट क्वेश्चन इज कि शिखर ने क्या क्या खाया. यस, एंड टू लकी विनर्स विल विन फ्री SIT मर्चेंडाइज. सो गो फॉलो अस on Facebook, Twitter and Instagram. And if you like this episode, then like, share and subscribe to Shitty Ideas Trending on YouTube. See you next week with the finale! 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 Best! कब पता चला तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है? सही है. क्या फर्क पड़ता है? किया क्या है तुमने? किस बात की अकड़ है यार? कब तक अपने फैमिली के पैसों पे जीते रहोगे? तुमने खुद क्या अचीव किया है? इतनी ही प्रॉब्लम है ना जानवी मुझसे. So, प्लीज छोड़ दो मुझे. प्लीज. हम लोग लड़ते भी हैं, हमारा टाइमिंग भी गलत है. शायद लोग सही कहते हैं. Maybe we are not made for each other.